18 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कृषि कॉलेज के मुख्य द्वार पर बैठे कृषि कॉलेज के छात्रों के सब्र का बांध टूट गया है और अब कृषि संबंधी खाली पड़े 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आमरण अनशन शुरू करना पड़ा। प्रदेश के 12 कृषि कॉलेजों में अलग अलग कैटेगरी के हजारों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन शासन इन पदों पर नियुक्ति नहीं कर रहा। इन मांगों को लेकर प्रदेश के सभी कृषि कॉलेजों के छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 11 फरवरी से आंदोलन शुरू कर दिया। मांगों पर ध्यान नहीं देने के बाद अब छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बदल दो मेहमानों का राज, बदल दो कल्चर, एग्रीकल्चर, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो, कमलनाथ सरकार, हाय हाय, कमलनाथ सरकार, हाय हाय, कृषि मंत्री, हाय हाय, जीतू पटवारी, हाय हाय, जीतू पटवारी, हाय हाय, केदार सिरोही, हाय हाय, कमलनाथ सरकार, हाय हाय, सचिन यादव, हाय हाय, जीतू पटवारी, हाय हाय, कृषि सचिव, हाय। इंदौर के कृषि कॉलेज के 3 छात्र अजय गांगले, देवेंद्र जाट और लक्ष्मण ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक सरकार कोई स्पष्ट लिखित जवाब नहीं देती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। सर, हमें एक ही डिमांड है सरकार से, कृषि विभाग में जो रिक्त पद खाली पड़े 5 से 6 हजार, उन पे जल्द से जल्द भर्ती हो है। सरकार हमें जवाब दे, आश्वासन दे, भर्ती होगी और होगी भी तो कब होगी। 11 फरवरी से आप लोग प्रदर्शन पर हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, कोई मंत्री या सरकार से कोई नुमाइंदा आपसे मिलने आया अभी तक? अभी तक तो हम कृषि मंत्री जी से भी मिले, उनकी तरफ से कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है और मुख्यमंत्री जी से तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है, उन्होंने ज्ञापन लिया और सीधे चले गए। अभी इंदौर की अगर बात करें तो कितने आप और आपके साथी हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं? अभी हम 3 लोग हैं यहाँ पर, कल से हम आमरण अनशन पर 10 बजे से बैठे हैं, 24 घंटे हो चुके हैं, थोड़ी वीकनेस भी अब आ रही है और अभी मंदसौर और सीहोर में भी आज से अनशन चालू हो गया।